हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। देखिए, ये मैंने चने भिगाए हुए थे रात भर से, तो अच्छे से फूक गए हैं। तो अब मैं इनको उबलने के लिए कुकर में रख दूंगी। इनमें जो इस तरीके से चने होते हैं, ये जैसे फूकते नहीं हैं, कड़क ही रहते हैं, तो इनको आज छाट के अलग कर दूंगी। और जो अच्छे से पके हुए हैं, ये देखिए मेरा बेटा आपसे हाय कर रहा है, तो उनको मैं उसमें कुकर में डाल के, पानी डाल के और सीटी लगा लूंगी। अच्छे 3-4 सीटी लेना है ताकि अच्छे से पक जाए चने। तो आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हैं छोले, सिंपल तरीके से, क्योंकि ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे और सिंपल से बॉईल करके चने बनाएंगे। ये देखिए चने बॉईल हो गए हैं, इस तरीके से चेक कर लेंगे। दब रहा है, इसी तरीके से पक गया है। अब इसको छलनी में डाल के पानी अलग कर देंगे। गैस पर कढ़ाई रख दी है मैंने और तेल डाल दिया है, तेल गरम हो रहा है। तब तक इसमें चेक करूंगी गरम हुआ। इसमें हींग डालेंगे क्योंकि चने किसी किसी को पचते नहीं है, गैस करते हैं, इस वजह से थोड़ी सी हींग डाल दो तो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो मैंने हींग डालने के बाद राई, जीरा, अजवाइन, तेज पत्ता ये डाला है। इसके बाद मैंने लहसुन डाली है, थोड़ा सा तेल के साथ लहसुन मिक्स किया है। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी है। मेरे पास हरी मिर्ची भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, सारा बाजार ख़त्म हो गया है सब्जी का, तो मैंने जो घर में है उसी चीज़ों से बनाया है, पर बहुत टेस्टी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। फिर प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भुना जाएंगे, थोड़े थोड़े से पकने लगेंगे, फिर उसके बाद मैंने उसमें गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने देंगे मसालों को, अच्छे से खुशबू आने लगेगी। फिर इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, अभी तो भून रहा है मसाला, इसको अच्छे से भून लेंगे। लाल मिर्ची डाल दी है और लाल मिर्ची को भी अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे मसाला जैसे पक जाता है इस तरीके से। मेरे घर में बच्चे कोथमीर नहीं खाते हैं, तो मैंने जो कोथमीर काटी हुई थी वो सारी बघार में डाल दी है, ताकि बघार में अच्छे से सीख जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम पता चलेगी कि कोथमीर डली हुई है। बच्चे मेरे घर नहीं खाते हैं इस वजह से, और अगर हमको चाहिए होगा तो हम ऊपर से फिर डाल लेंगे। इस तरीके से मैंने उसमें डाल दी है। अब मैं नमक डालूंगी, नमक ध्यान रखिएगा, उबलते हुए चनों में भी डाला था, तो थोड़ा कम नमक डालेंगे बघार के हिसाब से। इस तरीके से डाल के भून के मैं अब आमचूर पाउडर डालूंगी, तो आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है। आमचूर पाउडर को भी अच्छे से बघार के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें बॉईल किए हुए चने डाल दिए हैं, तो जो चने थे उनको अच्छे से मिला लेंगे। अब क्या, मेरी कढ़ाई तो छोटी पड़ गई, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है मेरे पास कढ़ाई एक ही थी जो छोटी है, देखते हैं नहीं लाएंगे तो इसको अब मैं जो कुकर में मैंने बॉईल किए थे चने उसी में डाल दूंगी। सारे मसाले मिक्स करके कर लूंगी, मतलब कुकर में डाल के। तो पहले मैं इनको कुकर में डाल देती हूँ, अच्छे से घुमाते बन जाएगा, सारे चने मसाले के साथ लपेट जाएंगे इस तरीके से। तो सारा मैं कुकर में डाल के फिर अच्छे से मिला लूँगी इस तरीके से, और इसको गैस पर चढ़ा देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मिठास करने के लिए शक्कर भी डाली है, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, मैंने थोड़ी सी शक्कर भी डाली थी। तो इस तरीके से मैंने छोले बनाए हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, सिंपल तरीका है, पर आप भी ट्राई ज़रूर करना।
और देखिए मैंने प्लेट में आपके लिए निकाला है, आप आइए और खा लीजिए छोले। कितना बढ़िया दिख रहा है ना, बिल्कुल खाने का मन करता है। लीजिए मैं आपको खिला देती हूँ मेरे हाथों से। और ये मैं छत पर आई हूँ, तो मैंने जो आपको खाद दिखाया था ना प्याज व्याज के छिलकों का, तो मैंने आधी बाल्टी से ऊपर पानी ले लिया है। और ये जो पानी, ये जो छिलके वाला पानी है, इसमें से पानी पानी नितार देंगे और छिलके डब्बे में ही रहने देंगे और वो छिलकों को फेंक देंगे। तो ये पानी फूलों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो साइड में जो फोटो दिख रही है, इसका वीडियो आगे है, उसमें मैं चने सेक रही हूँ। तो आप इस तरीके से चने सेकना बहुत टेस्टी लगते हैं, जो गीले वाले चने अभी आ रहे हैं वो वाले। तो ये पानी मैं बाल्टी में सब मिक्स कर दूंगी। और ये मिक्स करते करते, शाम की क्लिप है तो अंधेरा हो गया था, तो थोड़ा मैं लाइट जला के आपको दिखा रही थी। इस तरीके से मैं पौधों में डाल दूंगी पानी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, फिर बैटरी लो हो गई थी तो मैंने लाइट बंद कर दिया था, ये कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाई है, फिर मैं ये नीचे ले आई थी पानी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी सारे पौधों में डाल देंगे, खाद का काम करेगा। ये देखिए ये फूल खिला हुआ है। ये मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, किसी दिन बाद एक वीडियो इन पे बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मेरे पास कौन कौन से पौधे हैं। ये मैं सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा करके खाद के रूप में पानी डाल दूंगी। और ये रात का क्लिप है, ये रात को मैं चने लाए थे तो ये भून रही थी। आप कैसे सेकते हो मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस तरीके से कढ़ाई में सेक लेती हूँ, और थोड़ा सा सीखने के बाद इसमें दो चीज़ें डालो तो एकदम नमकीन सा छोला चने बनते हैं। होले बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना। इनको अच्छे से सेक लेंगे, देखिए इस तरीके से। चनों को इस तरीके से भूनेंगे, और इसमें बिल्कुल छोटे टीस्पून से एक चम्मच तेल डालना है, और तेल के साथ मिक्स कर लेना है कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में थोड़ा सा डाल के मिला लेना है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। तो बिल्कुल एकदम नमकीन से होले लगेंगे, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना।